हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्टिवा 6G के बारे में। इसलिए फटाफट वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए हम एक्टिवा 6G के पास चलते हैं। एक्टिवा 6G जो इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, एक्टिवा 6G इस बार काफ़ी शानदार बनाया गया है। होंडा ने इस पर काफ़ी मेहनत की है और इसे शानदार लुक दिया है। इस बार बहुत LED लाइट लगाया हुआ है होंडा ने और आगे का क्रोम बहुत शाइनी से लगाया हुआ है, शाइनी लुक दे रहा है। और हम बात करें इसके टायर की, तो आगे फ्रंट टायर में आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, एक्टिवा की बाकी एक्टिवा से ये बिल्कुल अलग दिख रही है। इस बार की एक्टिवा में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं और आप जो ये SH देख रहे हैं, बाहर देश में इसका नाम एक्टिवा नहीं है बल्कि SH के नाम से ये बिकती है और इंडियन मार्केट में ये एक्टिवा नाम से आती है। गाइस, इस बार की एक्टिवा में पीछे डबल शॉकअप दिया गया है, बाकी पहले जैसी एक्टिवा में सिंगल शॉकअप नहीं है और डिस्क पीछे के टायर पे भी दिया गया है, आगे पीछे कॉम्बो डिस्क। इस बार की एक्टिवा बहुत ही पावरफुल होने वाली है, जल्द ही इंडिया में आए तो अच्छा रहेगा। इस बार की एक्टिवा के इंजन में भी चेंजेस लाए गए हैं, ऑटोमेटिक। और इस बार सीट के नीचे जगह भी ज़्यादा दी गई है, पेट्रोल टैंक भी काफ़ी बड़ा दिया गया है और आगे के मीटर के बटन भी चेंज किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंडल का लुक बहुत अच्छा लग रहा है और स्विच भी। तो आपको कैसी लगी एक्टिवा 6G, कमेंट में ज़रूर बताएं।